किस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं मठे के आलू। तो हमने ले लिया है यहाँ पे लहसुन और मेथी। लहसुन हमने बारीक बारीक काट के लिया है। लहसुन लेना ऑप्शनल है, आप नहीं खाते हैं तो नहीं ले सकते हैं। ये हमने उबले हुए आलू लिए हैं। हमने मीडियम साइज़ के 7 आलू ले लिए हैं उबाल के लिए। ये हमने ले लिया है छाछ। अभी हम लोग यहाँ पे कुकर गर्म कर रहे हैं, फिर उसमें तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद अभी हम उसमें डालेंगे मेथी। अब इसे हम चला देंगे थोड़ा सा ताकि ये जल। अब इसमें डालेंगे कटा हुआ लहसुन और लहसुन को भून लेंगे। ये हमारा लहसुन भून के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर एवं स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। हमने आलू हल्के से मैश करके लिए हैं, आप चाहे तो काट के भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे मिक्स कर देंगे इसमें। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो हम ये दही डाल रहे हैं वो फट ना जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना मठा। ऐसे लगातार चलाते रहना है वरना मठा फट जाएगा। अब हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे 10 मिनट तक। ये देखिए ऐसे चलाते रहना है आपको भी। एक उबाल आने तक हमें इसे हाई फ्लेम पर रख के लगातार चलाते रहना होगा ताकि ये मठा फट ना जाए और हमारे मठे के आलू तैयार हो जाएंगे। टेस्टी और खुशबूदार मठे के आलू तैयार हैं। सब कर लिए हैं, वो भी साथ में चावल है जिन्हें हमने सोयाबीन की बड़ी डाल के पकाया है। बहुत अच्छे लगते हैं इसके साथ, तो आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।